यूनेस्को के चेयरमैन भी रह चुके हैं, बहुत सारी समस्याएं इस क्षेत्र को लेकर हैं, आपने उसके समाधान का प्रयास भी किया था। अगर वर्तमान में देखें तो अगर लॉकडाउन पीरियड को थोड़ा छोड़ दें तो क्या इन नई सरकार ने उन चुनौतियों को एड्रेस करने की कोशिश की है, उन समस्याओं के समाधान के लिए कोई प्रयास किया है क्या? अगर नहीं हुआ है तो आगे आपकी रणनीति किस तरह की होगी? नई सरकार तो अपने में ही इतने उलझे हुए हैं कि मैं तो उम्मीद नहीं कर पाता कि इनसे कुछ हो पाएगा। इस क्षेत्र के विधायक होने के नाते बलि सिड़कों के अध्यक्ष ना हो, हम इन समस्याओं को अलग अलग फ्रंट पर लाते आए हैं, अब तक आने वाले समय में भी लाते रहेंगे। पर एक डायनामिक विजन जो देवेंद्र फडणवीस जी की थी और जिसके चलते नरेंद्र मोदी जी की जो काम करने की जो पैशन है उसके थ्रू जो प्रगति का उनका इनका फॉलोअप लेना और उसके थ्रू स्टेट गवर्नमेंट का फॉलोअप लेना, ये जो हम बार बार देखते थे पिछले समय में, पिछले ये 6 महीने नए सरकार के हुए इसमें तो हमने ऐसा कुछ देखा नहीं। और मैं जैसा मैंने कहा ये लोग अपने आप में ही इतने उलझे हुए हैं कि और कहीं देखने को इनके पास कोई फुर्सत नहीं। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।